आज हमारे साथ सैरी में हो गया एक बहुत बड़ा प्रैंक। टमाटर काटे, हरी मिर्चें काटे, धनिया काटे, मुझे मसाले वाला ऑमलेट बना के दें और साथ में पराठा बना के दें। मिनट निकालो, पानी नहीं अभी आ रहा, मैं पानी धोऊंगी कैसे, देखो ना पानी नहीं आ रहा। मामा मैंने नहीं है कोई नहीं, मुझे पराठा अंडा बना के दो। नहीं ये क्या हो रहा है मामा, प्लीज ये एक अंडा मुझे बना दो, इसको अपने सर पे ही फोड़ दो मामा, कुछ तो कर दो। गंद पड़ जाएगा घर में। Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो अभी का सीन ये है कि सैरी का टाइम हो चुका है, मैं उठ चुकी हूँ, ये कहना तो बहुत ही गैर मुनासिब होगा क्योंकि मैं तो सोई नहीं थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब मेरे एग्जाम्स हो गए खत्म, अब मैंने ये जो सोने वाला नैप था ना ये छोड़ दिया, पर के इतना दिमाग खराब हो गया था ना ये पूरे एग्जाम्स में। एक तो एग्जाम्स, ऊपर से रमजान में ना मुझे ऐसा लगता है कि सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ना एक महीने की छुट्टी होनी चाहिए। क्या सोच है रे तेरी, बच्चे रोजा रख के इतना थके होते हैं, यूनिवर्सिटी किस तरीके जाएंगे। खैर अभी फिलहाल मैंने अपनी अम्मी को उठा दिया और आज हमारे साथ सैरी में हो गया एक बहुत बड़ा प्रैंक। और वो प्रैंक ये है कि आज जो हमारी बाजी हैं खाना पकाने वाली वो आई ही नहीं है, और इस टाइम पे हो चुके हैं 3:15 और अप्रॉक्सीमेटली उनकी जो डेडलाइन होती है ना वो 2:30 बजे तक की होती है। तो इसका मतलब ये है कि बाजी ने आज करा दी है फिल्म, बाजी आज नहीं आई है, और ये हमारे साथ हुआ बहुत बड़ा प्रैंक। और अब मेरी वालदा मोहतरमा इतने अरसे बाद हमें बना के देंगी सैरी। आज हम करेंगे अपनी अम्मी के हाथों की सैरी। आज इफ्तारी में ना हमने खाई थी बिरयानी, मैं आपको दिखाती हूँ। आज इफ्तारी में मैंने कोई इफ्तारी नहीं बनवाई थी, मैंने कहा था कि यार इतने पकोड़े समोसे खा के ना वैली मेरे स्टमक की पेन का इतना प्रॉब्लम है फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज इफ्तारी में ये बिरयानी तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, मेरी अम्मी ने फ्रिज में रख दी होनी है। तो आज हमने इफ्तारी में खाई थी बिरयानी, तो अभी पुलाव, ये वही एक ही बात है यार, नहीं बल्कि डिफरेंट बात है, पुलाव खाया था। तो अब पुलाव तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, इतना कोई खास खाया पिया नहीं गया, फिर उसके बाद हमने बाजार से इधर उधर से, आपको पता है इफ्तारी के बाद बंदा शोखा हो जाता है। तो अब आप उठे किचन में आए, बहुत हो गया ऑपरेशन के बाद रेस्ट, अब आके मुझे इफ्तारी, मुझे सैरी बना के दें। मेरा बेटा, मेरा पारा बच्चा, मैं पुलाव गर्म करती हूँ और हम सब लोग मिलके बैठ के पुलाव खाते। मामा नहीं, कोई पुलाव नहीं खाता सैरी में, सैरी में कौन पुलाव खाते हैं। नहीं 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 नहीं, उठे 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 मम्मा उठे, सैरी में कोई पुलाव नहीं खाता, सब खाते हैं। नहीं मैं अंडा खाऊंगी, पराठा खाऊंगी। पराठा नहीं मेरे से भी बन रहा, मैं अंडा खाऊंगी पराठा खाऊंगी। मैं बाजी को कॉल कर रही हूं। नहीं मम्मा, प्याज काटे, टमाटर काटे, हरी मिर्चें काटे, धनिया काटे, मुझे मसाले वाला ऑमलेट बना के दें और साथ में पराठा बना के दें। रुको जरा, सब्र करो, मैं लस्सी, उठो ना मम्मा, लस्सी भी मम्मा जी, मुझे बनानी है। मम्मा जी ये काम चोरी की वजह से आप पुलाव से रोजा रखना चाह रही हैं, मैं नहीं रख सकती। डॉक्टर ने मुझे काम करने से मना किया। मम्मा बस कर दें, डॉक्टर ने ये नहीं कहा था, अगर डॉक्टर इनका व्लॉग देख रहा है तो प्लीज कॉल करके बताएं। देखती हूँ कौन है। अरे बाजी आ गई, बाजी टन टना, इधर, तुम्हें पता बाजी नहीं आई, आज प्रैंक हो गया हमारे साथ, शर्म कर, बाजी नहीं आई, हमारे साथ हो गया प्रैंक। ये बात पता क्या मामा, मैं बना के देने लगी है अंडा पराठा, आज हम खाएंगे मामा के हाथ का अंडा पराठा। नहीं जिक्रिया पुलाव बना, मैं वही खा लूंगा, माफी जिक्रिया, रोजा रखा मेरे से उठ के पराठा नहीं, तुम्हें पता मुझे कितनी दर्द होती है, मैं पराठा। मामा जल्दी कह रहे टाइम नहीं है, बहुत लंबा हो रहा है व्लॉग, जल्दी जल्दी जल्दी, अब अम्मी को खींच के किचन में लेके जा रहे हैं और इनसे जरा सैरी बनवाते हैं, लस्सी के बगैर तो मुझसे रोजा नहीं रखा जाता भाई। चीज का डर था, आखिर में वही हो रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं, सैरी में हमें मिल रही है इफ्तारी की बची हुई बिरयानी, वो इस वजह से पुलाव कितनी दफा पकाऊं बेटा, वो इस वजह से मेरा दिमाग बौखला गया ये देखकर कि सैरी में पुलाव खा रहे हैं। मानो खाना चाहिए, पता है क्या, कभी कभी ना पराठे से भी परहेज करना चाहिए। तो सूखी रोटी बना दो, मक्खन रख दो, ऊपर सब्जी दे दो साथ, रोटी होती है साथ में, क्या कीमे का सालन भी पड़ा है। रुको ये देखें गाइस, फ्रिज में सारे सालन पड़े हुए हैं,
लेकिन ये मेरी वालदा ना सिर्फ ना गर्म कर रही है सालन, ना ही उसके साथ रोटी पका के दे रही है, आटा भी पड़ा हुआ है। वो देखें आटे का बोल भर के पड़ा हुआ है। लेकिन और अंडे भी हैं, ये देखें लेकिन ना हमें नहीं मिल रहा अंडा। बेटा इसलिए कि कभी कभी चावल भी खाने चाहिए। मामा यार कोई नहीं खाता शहरी में चावल, मैं शहरी में चावल नहीं खाना चाहती। खाना चाहिए मामा, इससे प्यास लगती है। मानू ने इसलिए भी खा रहा, तुम भी खाओ। मामा लस्सी नहीं बना रही। लस्सी क्या मतलब नहीं बना रही? लस्सी नहीं बना रही। अब मैं ग्राइंडर निकालू क्योंकि मुझे हाथ से बनानी नहीं आती। मामा बाजी मदानी के साथ लस्सी बना के देती है, मुझे वो नहीं आती बेटा। तो मामा लस्सी का क्या करेंगे? लस्सी अब मैं ग्राइंडर निकालू, पानी नहीं अभी आ रहा, मैं पानी धोऊंगी कैसे, ये देखो ना पानी नहीं आ रहा। अम्मा ये मुझे लगता है हमने जानबूझ के मोटर नहीं चलाई। एक काम हो सकता है। क्या? मैं आपको बोतल के अंदर लस्सी बना के दे सकती। क्या? हाँ। कौन सी बोतल के अंदर? माना बोतल के अंदर दही डालती हूँ, उसके अंदर दूध डालती हूँ, चीनी। कौन सी बोतल? पानी की बोतल। मामा पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, मुझे करनी चाहिए थोड़ा सा ये डाल देना, थोड़ा ठंडा मैंने जाया करना है ना, लस्सी बनानी है इसके अंदर। इसके अंदर नहीं रहा तो मैंने पानी नहीं पीना, कोई सीन नहीं है इसके अंदर। ओ यार पानी में कोई सीन नहीं है, पानी जरा सा टगे का इत्बार नहीं है तुम्हें माँ पे और बहन पे। दम करके लाई हूँ पानी, तुम्हें पिलाएंगे फरमा बरदार औलाद हो जाएगी। जी आपने लस्सी पीनी है? ओके डन। मामा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि आप क्या करना चाह रही हैं, ये आप मुझे अपने पीछे पीछे घुमा रही हैं। पहले आपने ये डब्बे से बड़ी ये पुलाव निकाल दिया, रायता निकालो फ्रिज में से। रायता? मामा रायता बाजी फ्रेश बना के देती हैं, बाजी बना के देती है। ये रायता इसको खोलते हैं आराम से बेटा, प्यार से बेटा, प्यार। मामा ये इतना सा रायता, ये इतना सा रायता, ये हम दो जितने किस तरीके से खाएंगे? मम्मा ये आपने घर में क्या गुर्बत का साया किया हुआ है, ये आप क्या कर रही हैं हमारी, ये क्या कर रही हैं? मैं आपको लस्सी बना के दे रही हूं। मामा जी अल्लाह मामा जी कितने चलेंगे, ये क्या हो गया? मामा मैंने नहीं है कोई नहीं, मुझे पराठा अंडा बना के दो मामा प्लीज यार। अभी चल के देखते हैं कि ये क्या कर रही है और कहाँ तक पहुंची है हमारी मामा जी, प्लीज शहरी दे दें, आधा घंटा रह गया। मामा ये क्या कर रही है? लस्सी। क्या लस्सी? मामा ये कौन सी लस्सी बन रही है, ये क्या कर रही है, ये क्या है? बताती हूँ देखना, तुम मेरा टेक्निक देखो। मामा ये आप क्या करना चाह रही है यार? लस्सी जब बाजार की लस्सी का तुझे क्या मजा आना है, जो तुझे मैं हाथ की लस्सी बना के दूंगी। मामा ये आप क्या करना चाह रही है यार? ये और दही डालती हूँ, और दही डालती। मामा ना करो, खुदा का वास्ता छोड़ दो। बाजी बाजी रसिया अल्लाह माफ करे, कैसी आवाजें निकाल रही हम शुक्रिया छोड़ दे, मैं नहीं देख सकती। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? क्या कर रही हो अभी, ये सब कुछ दिखा रही हो, सारा नीचे भी गिर रहा है। ये इसके अंदर दूध डालने लगी है। मामा प्लीज ना करे, मैंने नहीं पीनी, मैं बगैर लस्सी के रोजा रख लूंगी। नहीं मैंने तुम्हें पिलाई। मामा मैंने नहीं पीनी, मैं आप जो देंगी मैं खा लूंगी। ये गंद ना खोले यार, मामा ये आप क्या, ये अनहाइजीनिक है सारा। मैं नहीं मानता बाजी रजिया। मामा ना करे यार, ना करे। सुबह उसकी क्लास कैसे करूंगी, तरीका बाजी आए क्यों नहीं? ये बाजी नहीं आया इस चीज की, मैंने सजा क्यों ला पड़ी है? मामा ये बोतल के अंदर कौन सी लस्सी बनती है यार, प्लीज। वाह जी वाह ये आज मेरे बच्चों को लस्सी का आएगा मजा। मुझे लगता था कि जब हम माए बनेंगे तो मैं सोचे जब हम माँ बनेंगे तब हमारा क्या हशर होगा, जब मेरी अम्मी का ये हशर है। बकवास नहीं करो, अब मैं क्या करूँ, पानी नहीं आ रहा। तो ये सारा कुछ खराब हो चुका है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये जिक्या, इसको जरा मैश करो क्योंकि मुझे हिलना मना है। तुम जरा इसको ऐसे ऐसे करोगे ना तो ये लस्सी देखना कैसे बनेगी। जोर जोर से हिलाओ,
ऐसे 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 क्या है ये? चीनी फीक के है मम्मा, इधर मुझे भी टेस्ट कराना सर, मुझे भी टेस्ट कराना। नो रस या बाजी से ज्यादा अच्छी चीज बनी है। सिखिया तुम्हें भी टेस्ट करनी पड़ेगी। नहीं राम, तो मैं नहीं खाना। है ना, मजे की बन गया ना। इसी के साथ शायरी का वक्त खत्म होता जाता है। कल मुझे बता रही थी कि मम्मा एक अंडा, मम्मा प्लीज ये एक अंडा मुझे बना दो, इसको अपने सर पे ही फोड़ दो मम्मा कुछ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो कर दो ऐसे करके ना, गंद पड़ जाएगा घर में। चल मैं आ सद के जाए, चलो मेरा पुत्र जल्दी से पकड़ो और लस्सी आपकी मैं चलती फिरती मैं हिला रही हूँ। मम्मा ये कौन इधर आए जरा, ये कौन सी लस्सी है जो आप चलती फिरती हिला रही है और लस्सी बन रही है? मम्मा बाजी रजिया इसमें बादाम भी डाल के देती हैं। बेटा ये अभी मिक्स हो गया, चलती फिर आप टेबल आगे करो, चलती फिरती मैं बना के दे रही हूँ आपको लस्सी। तो खैर अभी फिलहाल अल्लाह का लाख सौ करोड़ दफ़ा शुक्र है, और अब सैरी का वक्त हुआ जा रहा है तो फटाफट से सैरी करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ आधा घंटा रह गया। तो सो गाइस फाइनली मैंने चावल खा लिया, ये तो चावल खाते साथ ही मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो गया। ये रही भाई मम्मा के हाथ की लस्सी, देखो आहा क्या झाग है मान्या, जबरदस्त किस्म की लस्सी। ऐसी लस्सी तो मुझे बाहर से ला के दिखा दो। ईमान से जरा गौर से देख के बता दें, बुलबुलों के अलावा आपको झाग नजर आ रही है? और शेक करते हैं। ऐसी लस्सी बाजार से भी नहीं मिलनी, माँ का प्यार है इसमें। मम्मा सिर्फ प्यार ही है इसमें। पी के देखो, अभी किसी को भी ला के आती हूँ, देखो जरा। सही बताना, सच बताना, सच ना पूछे। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? ऐसे बहुत अच्छी है, सच बता, सच बहुत अच्छी है। So beautiful, so elegant, just looking like a wow, just looking like a wow. एक पर्सनल एडवाइस है आप लोगों को, ये टेक्निक अपने घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, मेरा पर्सनल मशवरा। अगर पानी ना आ रहा हो तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ मजबूरी में आप कर सकते हैं, मोटर ना चली हो, दही में चीनी डाल के खा लेंगे, ये खा लेंगे की बात है। इसको शेक करें से बस। मैं वही तो आपको कह रही हूँ, कल आपने सुबह उठते साथ इस बोतल में दही और दूध डालना है और इसको ऐसे 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 करना शुरू कर देना है, और सुबह से लेकर रात तक आपने इसको शेक करना है। रात को हम आपका टेस्ट लेंगे कि इसमें झाग आती है कि नहीं। मानो आ गई है आहा। जी सो फाइनली ऑलमोस्ट सैरी हो चुकी है, मामा और ज़िकरिया तो जाके लेट गए, अब मैं उनको नमाज के टाइम पे उठा दूंगी। मामा तो जाग ही रही हैं, ज़िकरिया जनाब लेट गए। तो खैर मैंने अब शुक्र अल्लाह का रोज़ा रख लिया, आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, डाउन लग रही है। और ये अब मेरा कावा, ये कावा मस्ट है, इसके बगैर ना मुझे खाना ऐसे लगता है ऐसे तरीके से हजम ही नहीं हो रहा है। तो अब मैं कावा पीऊँगी, इसके साथ ये मेडिसिन। बस ये मेडिसिन जो है ना, इसकी इतनी लंबी स्टोरी है ना, ये मुझे स्पेशली ओमान से आई है, ये टिकैप टैबलेट्स। ये बहुत मज़े की टैबलेट है, मतलब मज़े की नहीं है, जब आपको बहुत ज़्यादा थकावट हुई हो ना, काफ़ी स्ट्रेसफुल डे हो, तो आप ये एक टैबलेट रात को खा लेना, तो ऐसे लगता है बंदा पूरी रात हवाओं में ही था। खैर ये मैंने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाई हुई है, और ये गोली मैंने ओमान से मंगवाई है क्योंकि पाकिस्तान से मिलती नहीं है, लेकिन ये खा के बड़ा सुकून मिलता है। तो खैर अब कावा पीते हैं, फटाफट से पीते हैं क्योंकि टाइम मेरे ख्याल से 10 मिनट रह गया। कावा पीते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ ली है, और यहाँ देख सकते हैं मामा और ज़िकरिया, ये लोग पहले ही सो चुके हैं। किचन का दरवाज़ा जो है वो हम लोग बंद कर देते हैं, खैर से सैरी वगैरह हो गई है, लॉक भी चेक कर लिए हैं, अब चल के सो जाते हैं क्योंकि आपको पता तो है रूटीन कितनी ख़राब है, सैरी तक जागते हैं और फिर सैरी के बाद सोते हैं, तो ज़ोहर से पहले पहले उठ जाते हैं। तो खैर अब खैर से चल के लेटते हैं और इस व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग अस फॉर अमेजिंग कॉन्टेंट ओनली ऑन ZS। जाते जाते एक बात, अपने रोज़े का भी ख्याल रखें और रोज़ेदारों का भी ख्याल रखें। व्लॉग
बाय।